नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश भर में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना का डर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पलायन लगातार होता जा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। आज सीएम उद्धव और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच में तकरीबन 11 बजे बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे एक हफ्ते के लॉकडाउन के समर्थन में हैं। उन्होंने कोविड-19 मामलों के तेजी से बढ़ने की भयावह स्थिति को देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए थे। और आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले हफ्ते कुछ पाबंदियों की घोषणा की थी, जिनमें वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू शामिल है। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि आज की बैठक में लॉकडाउन की अवधि और इससे होने वाली आर्थिक गिरावट कैसे इससे निपटना है, इस पर चर्चा होगी। टास्क फोर्स का ये मानना है कि राज्य में कोरोना वायरस के हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन की जरूरत है। तो टास्क फोर्स का मानना है कि राज्य में कोरोना वायरस के हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन की जरूरत है, ये कहना है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का। लॉकडाउन की बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है, जिसके चलते अब शायद कोई ना कोई फैसला आ जाए। हालांकि पहले से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे एक सप्ताह के लॉकडाउन के समर्थन में है, तो एक सप्ताह का जो लॉकडाउन है वो लग सकता है, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं वो लगातार अपने गृह राज्य की तरफ पलायन कर रहे हैं। जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर जो कि दूसरे राज्यों से आए हुए हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, वो लगातार पलायन कर रहे हैं। तो देश भर में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना का डर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पलायन लगातार हो रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। आज सीएम उद्धव और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच में तकरीबन 11 बजे मीटिंग हो सकती है, बैठक होगी। और जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह का जो लॉकडाउन है उसके समर्थन में सीएम ठाकरे हैं। उन्होंने कोविड-19 मामलों के तेजी से बढ़ने की भयावह स्थिति को देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले हफ्ते कुछ पाबंदियों की घोषणा की थी, जिनमें वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू शामिल है। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि आज की बैठक में लॉकडाउन की अवधि और इससे होने वाली आर्थिक गिरावट से कैसे निपटना है, इस पर चर्चा हुई। मुरारी संवाददाता हमारे साथ इस समय मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी, क्या हालात है इस समय महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका कहना है कि टास्क फोर्स भी ये मानती है कि लॉकडाउन की जरूरत है। और कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में मुंबई में 9000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि 50 लोगों की मौत हुई है। और जिसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि ट्रांसपोर्ट से लेकर के जो व्यापारी हैं उनमें भी अब थोड़ा सा डर देखा जा रहा है और वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के पक्ष में है। देखना यह होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज जब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ बैठक करते हैं और उसमें स्वास्थ्य विभाग सहित आर्थिक सारी चीजों को लेकर किस तरीके की तैयारी की जाती है, किस तरीके का निर्णय लिया जाता है। लेकिन आज महाराष्ट्र से 63 आंकड़े मिले हैं, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की मुसले पूरी तरह से बढ़ा दिए हैं और यही वजह है कि सप्ताह भर का लॉकडाउन लगाया जा सका। सीएम को लेकर कहा जा रहा है कि सीएम ठाकरे एक सप्ताह के लॉकडाउन के समर्थन में है, क्या लग रहा है?
देखिए, जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की कमी बता रही जा रही है, अस्पतालों में जिस तरीके से बेड की कमी देखी जा रही है, इसे लेकर के उद्धव ठाकरे इस पूरे ऊपर मंथन किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, सप्ताह भर का लॉकडाउन लगाना चाहिए ताकि जो बढ़ते चयन है कोरोना संक्रमण के, जो मरीज बढ़ रहे हैं उसे कहीं ना कहीं कम किया जाए, उससे रोका जाए। क्योंकि आज की जो रिकवरी रेट है वो 32 से 33 हजार तक रिकवरी रेट है, जबकि कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो 63 हजार के आसपास जो है कि पॉजिटिव केस पाए गए हैं। तो हालात जहां बिगड़ रहे हैं उन्हें सुधारने के लिए उन्होंने एक सप्ताह के लॉकडाउन का प्रावधान रखा है। देखना होगा कि आज जो जिम्मेदार नेता है, डॉक्टर है, उनके साथ किस तरीके की चर्चा होती है और लॉकडाउन के लिए क्या कुछ तैयारी करते हैं और कब तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया जाता है। जी, हमारे साथ इस समय डॉक्टर शिवानंद प्रसाद जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्ते। नमस्कार जी। बहुत जरूरी हो जाती है एक डॉक्टर की सलाह, क्योंकि अगर देश में ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज मिल भी गया है उसके बावजूद भी कंट्रोल बीमारी नहीं हो पा रही है, एक डॉक्टर की सलाह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है पूरे देश के लिए। आपका रिएक्शन सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? एएमबी न्यूज को सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूँ जी। वैश्विक महामारी कोरोना जो है, दो धर्म जाति के इसमें गया है, कोविड के लिए जो टीकाकरण जो हो रही है ये नितांत आवश्यक है, सबको लेनी चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी सब सरकार द्वारा टीकाकरण की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की गई है। मेरा यही कहना है कि सबको टीका लेनी चाहिए, किसी तरह कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और दो गज दूरी बनाए रखें, मास्क अवश्य पहने, सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उसका अनुपालन करें। डॉक्टर शिवानंद, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जैसे हालात थे वो पूरे देश को इस समय दिखाई दे रहा, दिल्ली में जैसे हालात थे इस समय पूरे देश को दिखाई दे रहा। क्या लगता है आपके हिसाब से, जो महाराष्ट्र में आज भी 60 हजार से ज्यादा केसेस कोरोना के सामने आए हैं, सबसे बड़ा जो कारण है आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पूरे देश की स्थिति एक तरफ और कोरोना की जो स्थिति है महाराष्ट्र में एक तरफ। थोड़ा सा ये दूरी बनाकर रखनी होगी और टीकाकरण की व्यवस्था जो है उसको ध्यान से लेनी होगी। आऊंगी आपके पास। हमारे साथ इस समय मुरारी संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। मुरारी, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो यही है कि महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही है, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू है और जो वीकेंड लॉकडाउन है कितना प्रभावी इस समय नजर आ रहा है? ये आंकड़ों पर अगर नजर डाले काजल, तो कहीं से कोई आंकड़ा कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या हो या फिर मरने वालों का आंकड़ा, जो लॉकडाउन लगे हैं उससे यही स्थिति है कि जो संक्रमण फैल रहे थे तेजी से उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर देखी गई है। जिस तरीके से 2-3 दिन पहले जो आंकड़े आए थे 11,000 के पार मुंबई के अंदर, वो कहीं ना 9,900 के आसपास है। तो ऐसे में जो 2 दिन का लॉकडाउन था वो थोड़ा सा असर पड़ा है, लेकिन जब तक पूरी तरह से इस चैन को अगर तोड़ना है तो तमाम चीजों को बंद करना होगा। लॉकडाउन के जो नियम लग रहे हैं, जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उसको सही तरीके से पालन कराना जाना चाहिए। लोग घरों से बाहर करके निकलते हैं और स्लम के इलाकों में अक्सर देखा जाता है पुलिस की गाड़ी आती है, उसके बाद जैसे ही पुलिस की गाड़ी जाती है लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, दुकानें बंद कराई जाती है, बावजूद उसके लोग अपनी दुकानें खोल देते हैं। तो इन तमाम चीजों पर और सख्ती नहीं बरती गई तो हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो लॉकडाउन जिस तरीके से सप्ताह भर की चर्चा चल रही है, आने वाले समय में इसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। काजल, लॉकडाउन को लेकर भी लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, लॉकडाउन ही क्या मात्र एक तरीका है? यह बिल्कुल लॉकडाउन ही इसका मात्र एक तरीका है, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर कई सारी ऐसी पाबंदियां हैं जो कि सामने आ रही हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर लॉकडाउन ना लगे, सिर्फ पाबंदियां रहे, जैसे हम देश की राजधानी दिल्ली में देख रहे हैं, संक्रमण की संख्या दिनों दिन गुणात्मक बढ़ते जाएगी, जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके साथ कुछ पाबंदियां हैं, क्या इसका प्रभाव हो पाएगा?
प्रशासन को इससे सख्ती से निपटनी चाहिए। आम जनता किसी बहाने से आम रास्ता पर आकर इसमें व्यवधान कर रहे हैं। लोगों सरकार द्वारा जो भी नियम लगाई गई है उसका पालन सही से नहीं हो रही है, इस पर प्रशासन को विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या क्या परेशानियां होती है जब कोविड के मरीज आपके पास आते हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर होता है, किस तरीके से आप लोग उनको हैंडल करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो मरीज, उनका हौसला आप ही लोगों को बढ़ाना पड़ता होगा। वो तो एकदम ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे पहले जब सिम्टम देख लेते हैं तो उसके पास नजदीक के जो भी प्राथमिक उपचार केंद्र है वहां पर उसको भेज देते हैं, वहां जांच कराते हैं, उसके जांच कराने के बाद क्वारंटाइन करना होता है या जो भी समुचित व्यवस्था करनी होती है उसको हम लोग कराते हैं और उसका हौसला हमेशा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। ठीक है मुरारी भी, अगला सवाल आपसे होगा और सवाल पलायन को लेकर होगा। चाहे दिल्ली की तस्वीरें देख ले या फिर मुंबई की तस्वीरें देख ले या फिर हरियाणा की तस्वीरें देख ले, लगभग एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही, पलायन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो माइग्रेंट्स हैं लगातार अपने गृह राज्य की तरफ लगातार रुख कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। बोलिए जी। काजल बिल्कुल सही कहना है और वही तस्वीरें मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन, कुर्ला रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशनों पर पिछले दो दिनों से देख रहा हूं। और आज सुबह की बात करें तो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला तक के लोग उस में शामिल थे। उनका यही कहना था कि लॉकडाउन पूरी तरह से फाइनल नहीं हो रहा है, अगर लॉकडाउन लगेगा तो क्या होगा। कई लोगों का ये कहना था कि जो दुकान है वो बंद हो चुकी है, दुकान मालिक अपनी दुकानें बंद की है, अब उन्हें न तो रहने के लिए जगह है न तो खाने के लिए पैसे, तो ऐसे में वो भी अब अपने गाँव जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि पलायन जो शुरू हुआ है इसे लेकर के सबसे बड़ी राहत यही है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो बस की सेवा कहे चाहे ट्रेन की सेवा या हवाई सेवा, ये थोड़ी सी राहत दे रही है। भले से स्टेशनों पे भीड़ देखी जा रही है, गर्दी देखी जा रही है, लेकिन समय रहते हालात नहीं सुधरे और कई ट्रेनें नहीं चलाई गई, सही समय पर स्थितियां नहीं सुधारी गई तो काजल हालात पिछले साल से भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। महाराष्ट्र से लगातार जो माइग्रेंट्स हैं वो जा रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार कोई मदद उनकी कर रही है जाने में या फिर जिस तरीके से उनका रोजगार इस समय छिन चुका है, उनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि अपना काम करने के लिए अपना अपना राज्य छोड़कर माइग्रेंट्स लगातार आते हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद उनकी की जा रही है? देखिए काजल, आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई मदद इन लोगों के सामने नहीं आई है। महाविकास आघाड़ी सरकार में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ये जहां पूरे कोरोना को लड़ने के लिए एक सुर में आवाज मिला रहे हैं, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूरी है, जो प्रवासी मजदूरी है या जो अपने भाजी पाले के धंधे करते थे, फुटपाथ पे रहते थे, ऐसे तमाम लोग जा रहे अपने गांव के लिए, लेकिन कहीं से कोई सुविधा या उनके लिए कोई राहत की बात अभी तक नहीं कही गई है। लगातार जो है स्टेशनों पर प्रतिदिन भीड़ देखी जा रही है, सीट से ज्यादा लोग ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, बावजूद उसके महाराष्ट्र सरकार अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और काजल जिस तरीके से भीड़ यहाँ से पलायन कर रही है इससे दूसरे भी राज्य प्रभावित होंगे क्योंकि यहाँ से जाने आने वालों का न तो कोई टेस्टिंग किया जा रहा है, न तो वो जहाँ जा रहे हैं न तो उनका वहाँ टेस्टिंग किया जा रहा है। ऐसे में अगर 2 से 4 संक्रमण प्रति ट्रेन या हवाई जहाज के जरिए पहुंचते हैं तो और भी राज्य महाराष्ट्र से प्रभावित होंगे। जी ये भीड़ की जहां तक आप बात कर रहे हैं, भीड़ से तो और ज्यादा दिक्कत हो सकती है, सबसे ज्यादा ध्यान है मुझे लगता है कि वो भीड़ पर देना चाहिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वहीं पर मेंटेन नहीं हो पा रही है। जी काजल, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए लोग बसों के जरिए स्टेशन पहुंचते हैं, अगर बसों की बात करें तो उसमें काफी भीड़ देखी जाती है क्योंकि इस लॉकडाउन से पहले ही कह सकते हैं कि जिस तरीके से ऑटो रिक्शे के भाड़े बढ़े हैं उससे लेकर ज्यादातर लोग अब बसों में सफर करना चाहते हैं और यही वजह है कि सुबह के वक्त अगर 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक रोडों पर नजर डालें तो बसों में लोग जो है कि स्टैंडिंग सफर करते हैं, जबकि बीएमसी की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से साफ मना किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और यही स्थिति मुंबई की लोकल ट्रेनों में भी देखने के लिए मिल रही है क्योंकि लोग उसी ट्रेनों से पलायन कर रहे हैं, कुछ लोग अपने काम धंधे पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण बढ़ रहा है और ट्रेन और बीएसटी की जो बसें हैं इनकी भी में एक अहम भूमिका मानी जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुंबई
से लेकर दिल्ली तक एक जैसे हालात असम में लगातार दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। राज्य सरकारें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू के जरिए हो, वीकेंड लॉकडाउन के जरिए हो, या फिर तमाम वो पाबंदियां जिसके जरिए कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, उन सभी को लागू किया जा रहा है एक एक करके, लेकिन अभी तक वो प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है जिसको कम करने के लिए, जिसको प्रभावी बनाने के लिए होना चाहिए। हमारे साथ इस समय अरविंद विद्रोही वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। अरविंद जी, आवाज सुन पा रही मेरी? जी, सुन रहे हैं, धन्यवाद कर रहे जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी, देश में इस समय जैसी स्थिति हो चुकी है, पूरा देश परेशान है, एक बार फिर से वही हालात हो चुके हैं जो कि एक साल पहले हुआ करते थे, एक बार वही उसी उन्हीं परिस्थितियों में पूरा देश पहुंच चुका है जिन परिस्थितियों में अब से एक साल पहले था, आपका रिएक्शन? जी, एक साल पहले जो स्थिति उससे भी खराब है, बदतर है जी। और ये इसलिए और खराब है काव्या जी, क्योंकि एक साल पहले हमें कुछ मालूम नहीं था कि COVID-19 से बचाव के लिए करना क्या है, उपचार क्या करना है। बचाव की सारी जानकारी होने के बावजूद हम लोगों ने जो लापरवाही की है, हमारे परिवार के लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने और समाज के जिम्मेदार लोगों ने, राजनीतिक दलों के लोगों ने, उसी का खामियाजा हमको 2021 में भी पूरी तरह से भुगतना पड़ रहा है। कहीं कोई को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है चुनावी सम्मेलन में, शादियों में, रैलियों में, बसों से, ट्रेनों में, सफर में हुआ नहीं, जबकि शुरू से इस बात की गाइडलाइन थी। मास्क लगाने में भी लोगों ने जम करके कोताही बरती है, और एक बड़ा तबका है जो मास्क लगाता है और लेकिन वो उसका मास्क कान में रहता है और मुंह उसका, नाक या मुंह उसका खुला रहता है, और बहुत सी चीजें हैं, लापरवाही हमने जम के बरती है, इसीलिए COVID-19 हमको बचने के मूड में नहीं है। हम जब तक सतर्क नहीं होंगे और अपना अपनी रक्षा आप करने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक जो है सरकारी मशीनरी, सरकारी व्यवस्थाएं हमारे काम नहीं आएंगी। एक अगला सवाल मेरा आपसे होगा लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि कई राज्यों की जो परिस्थिति है वो हम देख चुके हैं, कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर वीकेंड लॉकडाउन है, उसके अलावा कई जगह ऐसी हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है अलग अलग शहरों में कुछ कुछ समय के लिए, और दिल्ली में कई पाबंदियां हैं, मुंबई में भी उसके लॉकडाउन ना होकर भी कई ऐसी पाबंदियां हैं जो कि प्रभावी हो सकती हैं। क्या लॉकडाउन ही सिर्फ एकमात्र तरीका है कोरोना को कंट्रोल करने का, या फिर ये जो पाबंदियां हैं ये भी प्रभावी हो सकती हैं? देखिए, ये पाबंदियां, नाइट कर्फ्यू या बंदिशें या लॉकडाउन, ये सिर्फ इस बात का हमको इशारा था आप जनता को, लोगों को, कि आप सचेत हो जाइए, नहीं इन्हीं परिस्थितियों में रहना पड़ेगा। सिर्फ लॉकडाउन की स्थिति को समझना पड़ेगा कि आप स्वयं को नियंत्रित करिए, मास्क लगाते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, जरूरी होने पर यात्रा करिए। अगर बचाव करना है COVID-19 से तो जीविका भी चलानी है, इसीलिए सरकार ने अवसर खोले थे कि आप उद्योग धंधे चलाइए, आप कामकाज करिए, लेकिन उसके बाद अगर आप और हम मास्क नहीं लगाएंगे और शादी और सम्मेलनों में जम के भीड़ करेंगे तो COVID-19 हमको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक ऐसा संक्रामक रोग है जो तेजी से फैलता भी है और जिसकी वैक्सीनेशन का काम अभी शुरू ही हुआ है। और बिल्कुल अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा से, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर इस समय आपके सामने। जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी पर पाबंदी लगा दी है, बड़ी खबर आपके सामने। पूरी तरीके से पाबंदी मुख्तार अंसारी पर लगा दी गई है, वकील से मिलने से इनकार कर दिया गया है। अब मुख्तार अंसारी वकील से भी अपने नहीं मिल सकता है, मुख्तार की आज दो मामलों में पेशी होगी, और अब तमाम ऐसी पाबंदियां हैं जो कि जेल प्रशासन की तरफ से लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, मुख्तार अंसारी जो कि जेल में बंद है, जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी पर पाबंदियां लगा दी हैं, अपने वकील तक से मुख्तार अंसारी अब नहीं मिल सकता है। हालांकि दो पेशी आज होनी है, वकील से मिलने से भी साफ इनकार जेल प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी अब अपने वकील से भी नहीं मिल सकता है, कोई बातचीत उसके वकील से नहीं हो सकती है, बड़ी खबर आपके सामने उत्तर प्रदेश के बांदा। आपको बता दें कि पंजाब की जेल से बांदा की जेल में शिफ्ट किया गया मुख्तार अंसारी को, उसके बाद ये तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं।
तो तमाम ऐसी पाबंदियां हैं जो कि मुख्तार अंसारी पर लगाई गई हैं। तमाम ऐसे मुकदमे में दर्ज है, हत्या का भी केस दर्ज है, उसके अलावा तमाम ऐसे केस हैं जो कि मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया जिसके बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से बांदा की जेल में शिफ्ट किया गया। अब कई पाबंदियां लगा दी गई हैं मुख्तार अंसारी पर, और ये जो पाबंदियां हैं जेल प्रशासन की तरफ से लगाई गई हैं। आज दो मामलों में पेशी होनी है मुख्तार अंसारी की, लेकिन उससे पहले ही वकील से भी मुलाकात करने से मना कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी आम लोगों की तरह जेल में रह रहा है, आम कैदियों की तरह जेल में रह रहा है, अलग से उसको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त है, हालांकि इसको लेकर राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और अब मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि देश भर में कोरोना के जो हालात हैं लगातार खराब होते जा रहे हैं, जो कोरोना की स्थिति है लगातार बिगड़ती जा रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक जैसे हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं। कोरोना कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी। डॉक्टर आर एम तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर साहब, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में, जैसे हालात हो चुके हैं चिंता का विषय है, सिर्फ देश के हर नागरिक के लिए नहीं बल्कि उन डॉक्टरों के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय यहां पर हो जाता है, जो डॉक्टर उन मरीजों का इलाज करते हैं जो कि संक्रमित होते हैं, उनका इलाज भी करते हैं, जो कि कोरोना पॉजिटिव होते हैं उनका भी इलाज करते हैं। मतलब हर परिस्थिति में डॉक्टरों को सामना करना पड़ता है, आपका रिएक्शन? देखिए मैडम, ये क्या है, अभी समय तो देश में बहुत विकट परिस्थिति है और इसके लिए हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है, वो खुद अपने आप को सेव करे और अपने परिवार को सेव करे, तभी जाके ये संभव हो पाएगा, अन्यथा स्थिति और बिगड़ेगी। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो तो काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो भी लोग हैं हेल्थ से रिलेटेड, सारे के सारे लोग अपना पूरा समय दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं, परेशान भी हैं, फिर भी रिकवरी के बाद भी वो वापस लौट के काम पे आते हैं। वो चाहते हैं कि देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक सुविधा के अभाव में तकलीफ हो उसे, ये कोई भी डॉक्टर या कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं चाहता। तो मैं देशवासियों से ये विनती करना चाहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा अब धीरज बनाए। इस तरीके से अगर हालात बढ़ते रहे, मामले बढ़ते रहे, तो बहुत बड़ी समस्या देश के सामने। मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तमाम सुविधाएं हैं, तमाम हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन आज यहाँ पे ऐसी परिस्थिति हो गई है कि अगर आईसीयू में जगह आपको चाहिए तो बेड अवेलेबल नहीं है, बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है। अगर पेशेंट जो है वेंटी वगैरह पे जाता है तो बहुत हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे मैनेज करें, हाउ कैन मैनेज, बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसका एक मार्ग उपाय है, एक रास्ता है कि भाई बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है, जब जरूरत हो तो ही घर से निकलें, हाइजीनिक का बहुत ध्यान दें, बार बार अपने हाथ को धोएं, संपर्क बहुत ज्यादा लोगों से संपर्क न बनाए, एक विकल्प है, अन्यथा जो है पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर हम इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में इतने कम डॉक्टर्स, इतने कम मेडिकल स्टाफ जो है सुविधा नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे मैडम। तो मेरा एक बार और निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग हैं, जो भी देशवासी हैं, ये बहुत थोड़ा सा धैर्य के साथ रहें और थोड़ा सा धीरज बनाएं और थोड़ा सा अपने अंदर जो है ये माहौल को, मैं डरने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये आने वाले समय में जो समस्या होगी उसके लिए मैं थोड़ा सा सतर्क कर रहा हूँ लोगों को कि थोड़ा सा जो है अब जरूरत है। अब मुझे ऐसा लगता है, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे अब लगने लगा है कि लोगों को सावधान होने की जरूरत है, अन्यथा स्थिति बिगड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और
देशवासियों को जागरूक करने के लिए। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, क्या स्थिति है और सबसे बड़ा सवाल माइग्रेंट्स को लेकर हो जाता है, क्या दिल्ली से जो पलायन है लगातार देखने को मिल रहा है, जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, वो लगातार क्या अभी तक अपने गृह राज्य जा रहे हैं? जिस तरीके से दिल्ली के अंदर स्थिति बिगड़ रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो मजदूर है यानी कि प्रवासी जो मजदूर है जो दिल्ली से बाहर के रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर आते हैं और अपना काम धंधे के यानी कि रोजी रोटी कमाने के लिए, अब उनको लिए कहीं ना कहीं डर लगता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं दोबारा से दिल्ली से पलायन हो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं लगातार वो अपने गाँव जाना चाहते हैं क्योंकि उनको ये अंदेशा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर दोबारा से लॉकडाउन लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगेगा तो कहीं ना कहीं स्थिति फिर बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं जो उनके रोजी रोटी कमाने का साधन है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा और उसी के मद्देनजर रखते हुए वो वापस जाना चाहते हैं और लगातार दिल्ली से पलायन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी, कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा हालात खराब होते जा रहे, हालांकि आपने पहले भी बताया है बाजारों में बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रही है, मास्क लगाते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा है, इतनी लापरवाही है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो प्रभावी कैसे हो पाएंगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे एक चीज समझिए, बाजार के अंदर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भीड़ उमड़ी हुई है, वो साप्ताहिक बाजार हो, बड़ी मार्केटें हो या फिर मॉल हो, लगातार भीड़ उमड़ी हुई है, यहाँ तक कि जो मास्क तक का यूज नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगाएंगे तो सोचिए खतरा कितना बढ़ेगा। मगर जो लोग, कुछ लोग मास्क लगा भी रहे हैं तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रखा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और 24 घंटे, पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 10,000 से ज्यादा के आंकड़े, स्थिति को कहीं ना कहीं ये गंभीर करता दर्शाते हैं कि स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार सख्ती ला रही है, नई नई गाइडलाइन लेके आ रही है, सख्ती बरतने के लिए कहा जा रहा है, मगर धरातल की बात करें तो बाजारों के अंदर ऐसी कोई भी सख्ती देखने को नहीं मिल रही है, ना ही वो पुलिस के द्वारा, ना ही डीएम के द्वारा, ना ही एसडीएम के द्वारा, ना ही सिविल डिफेंस के द्वारा। मगर लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है मगर धरातल पर वो कोशिश नजर नहीं आ रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो लापरवाही करती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बस सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे हैं अपने आप, ना ही मास्क तक का यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देश की राजधानी में भी लगभग वही हालात हैं जो कि पूरे देश में हैं, महाराष्ट्र में भी हालात कोरोना से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।